What's up guys? आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत से मिली हार ने रुला दिए पाकिस्तानी। वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया आई है, पठान भाई की भी क्या प्रतिक्रिया आई है जब पाकिस्तान को हराया है भारत ने, क्या मैच हुआ है। ऐसा ऐसी बातें चल रही नहीं, काला जादू करा है, ये करा है, वो करा है। भैया गजब लोग है, भैया तेजस्वी लोग है, शानदार विचार रखते हैं। वीडियो करते हैं एंजॉय। और भैया रोहित शर्मा की तारीफ जरूर कर देना और हार्दिक पांडे के ओम बुड़ुम 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 उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो और आप इंडिया में कहां से देख रहे हैं वीडियो जरूर बताना। जय हिंद जय भारत लिख देना। और मुझे लगता है अब क्या इंडिया सारे मैच जीतेगी, सारे के सारे। 1 2 3 गो। ऐसे ही चलेगा, सही मजे नहीं है। ये जो इंडिया जीता ना, ये बड़ी जोर से लगी। ढेर सारा जज्बा आखिर किधर चला गया, कहाँ खत्म हो गया, कहाँ दफन हो गया? क्यों हार गई पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसको लगता था कि इस बार कुछ नया होगा? बहुत सारे रीजन आपने देख लिए होंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी कुछ कहते हैं, जनता भी देखने वाले हैं आप क्या क्या कह रही है। बहुत ही कमाल की भांत भांत की जनता। लेकिन असल में वो कारण जिसकी वजह से जज्बा ठास है जमीन पर, पहले देखते हैं बाबर को क्या लगता है। कप्तान बाबर आजम ने मिडिल ऑर्डर की नाकामी को हार की वजह करार दे दिया। बोले मैच का आगाज अच्छा किया था। 50 मारकर बाबर शेर हो गया। 50 मारकर शेरू समझने लगा कि भाई सब कुछ सेट है, अब उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी नजर में कप्तान का काम बस इतना ही होता है। 1,30,000 स्पेक्टेटर्स इन्होंने कभी देखे ही नहीं थे, और वो भी एक साथ भारत का उद्घोष करते हुए। बस जज्बा चौक हो गया उदरिच। शुरू से ये आदत है पाकिस्तान जब भी भारत के साथ खेलता है तो हमारी नाक कट जाती है। बिल्कुल ये पाकिस्तान जो है ना, प्लेयर जो है ना, इस काबिल अब नहीं है के दुश्मन से लड़ सके। उनके प्लेयर्स देखें और अपने आपको देख लें, वो चाचू क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। ये सवाल तो हर कोई करता है, पता नहीं है इस सवाल से क्या मतलब। रोहित शर्मा ने कहा आज तो पाकिस्तान की बस बैंड बजा दी है। मुझे इस बात में शर्म है कि यार आपको हारे के साथ खेल लेते हो, इंडिया के साथ खेल के आपको क्या होता है? और टीमों से फिर भी कभी जीत जाते हैं, कभी इंडिया से तो जीते हैं। इंडिया क्या है? एक मिनट, इंडिया बहुत कुछ है। दहाड़े तो शहीद हो जाओ तुम ऑन द स्पॉट, लेकिन इस माइक वाली जलपरी से मुझे बहुत डर लगता है। बता दूं मैडम, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं है आपके चैनल का। इन भाभी जी का इंटरव्यू हमने पहले दिखाया था आपसे। कह दोगी कहीं मैं फर्स्ट यूट्यूबर हूँ, सारे कॉपी करते हैं मुझे। इन्हें शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म छोटा लफ्ज है, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। और बाबर आजम को तो सबसे पहले अलग मखलूक थोड़ी है, वो भी इंसान है। अच्छा अच्छा अच्छा, मिलाते हैं जनाब विराट कोहली और बाबर। किंग है हमारा भी, चलो बादशाह किंग नहीं है तो प्रिंस है। प्रिंस ये नया नाम है यार, घंटे का प्रिंस। भाई घंटे वाले बाबू नया गाना बनाना इस पर, घंटे का प्रिंस मेरे, घंटे का प्रिंस। भाई रोहित ने घंटा बजा दिया। रोहित ने घंटा भाई बना देगा तो अपने रिमिक्स करेंगे। एनीवे मान लेते हैं बाबर प्रिंस है, लेकिन रोहित शर्मा पाकिस्तान का बाप है। भाई जान परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, लुक एट द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ विराट कोहली। ठीक है आज आउट हो गया, मैच तो रोहित शर्मा ने खत्म ही कर दिया था। उस मैच में जल्दी आउट हो गया जिसमें इतनी कोई जरूरत भी नहीं थी, आउट भी हो गया, इतना फर्क नहीं पड़ा। भाई किंग है वो, किंग असली वाला, उसे पता है खुद को चांस कब चाहिए, कब मंत्रियों के लिए मौका छोड़ना है। अच्छा मौके से मुझे कुछ याद आया, एक तो इसका मौका खा गया। बता क्या याद आया? भारत भी एक तगड़ी टीम है। तगड़ी नहीं है, किट्टू क्या कह रही है, सूजी है सूजी। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। यार जब मैच स्टार्ट हुआ तो मुझे तो बहुत उम्मीद थी पाकिस्तान से कि ये कुछ करेंगे, कुछ स्ट्रीक टूटेगी। 7 दफा 1992 से लेके 2023 आ गया और पाकिस्तान एक भी मैच ओडीआई का नहीं जीत सका। T20 में आप देख लें सिर्फ एक ही मैच जीता है। अगर हम शुरू से बात करें तो पाकिस्तान ने जैसे बैटिंग की है, यार इंडिया की बैटिंग देखो आप, रोहित शर्मा आया उसने फर्स्ट बॉल से अटैक किया, आप बुमराह और सिराज को आप अटैक करते ही नहीं है, तो उन्होंने जाहिर बात है ऊपर से आप देखें भी तो सही ना, वो कितने अच्छे बॉलर हैं। बुमराह को देखने इंजरी के बाद आए हैं, एक साल वो नहीं खेले, एक साल अगर जो क्रिकेटर नहीं खेलता उसकी कहते हैं क्रिकेट एंड हो गई, लेकिन एक साल बाहर मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो एक साल का गैप देखें। इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग पाकिस्तान के स्पिनर्स आते हैं तो हमें लगता है अगली टीम से डर लग जाता है कि यार ये हमारे स्पिनर्स को अटैक करेंगे। इंडिया के स्पिनर आते हैं हमें अपने बैट्समैनों से डर लगने लग जाता है कि यार जी आउट ना हो जाए, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। रोहित शर्मा को क्या सही लकब दिया गया? बिल्कुल सही दिया गया, लेकिन यार मैं कहता हूँ जिस बंदे ने दिया ना बड़ा सोच समझ के दिया, और ये बंदा वाकई इस पे ना ये लव्स ऐसे जैसे कहते ठा करके स्टैंप लगाने, ये वो बंदा है। अग्री अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई कैसे हैं?
दिल टूट गया यार। सभी का ये हाल है पाकिस्तान में यार, सबका ये हाल है। हम तो जज्बाती बड़े होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, तो हमारी तो ये ईद वाला दिन होता है, बेड़ा गरे की करके रख दिया इन्होंने। इतनी बुरी हार के आगे कुछ खाने नहीं खाया जा रहा यार। आप ना ही पूछे हालात इससे पहले, ये जितने भी कैमरे लगे आपका बचा के, क्योंकि यहाँ मैं आ रही हूँ, मैं सारे तोड़ देना, इतने गुस्से में आज मैं आई हूँ यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ है? माँ बहन एक हो गई है, यही बात है। मतलब कि उनको कुछ, मतलब एशिया कप आपके सामने हुआ, ठीक था यार, एशिया कप था, चले छोड़े, लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने किया क्या है? 192 का टारगेट नहीं, ये पागल है। हमारी पाकिस्तानी उम्मीद, मतलब आपसे पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें लगाने की जरूरत ही कोई नहीं। क्या हुआ इंडिया से तो आ रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? तो इंडिया से तो आ रहे हैं, यही तो बात है कि इंडिया से, श्रीलंका से क्यों जीते हैं फिर? वहां तो बड़ा रिजवान है, छक्के पे छक्का, अब्दुल्ला खान जबरदस्त, रिजवान जबरदस्त, और इंडिया के साथ क्या मसला क्यों हो जाता है? इनको मुझे खुद नहीं पता हो जाता, कारपेट आ जाता। ये देखे, अभी ये मैंने शर्ट पहनी है, देखे कैप लिया, इसके पैसे नहीं पूरे हुए। आम आवाम के पैसे पूरे नहीं हुए सिर्फ। ये जो रो रही है, कलप रही है ना, ये है आम आवाम। ये वाकई दुखी है पाकिस्तान के हारने से। बहुत सारी ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको बेसब्री से इंतजार था इस पल का। पैसे पूरे, उनके तो बरसात हो गई है डॉलर्स की। अपन डिजर्व करते हैं यार, जीत के कमा रहे। और भाई लोग, सेलिब्रिटीज की तो अलग ही किस्म की प्रॉब्लम होती है। जी मोहन भाई, मैच तो खत्म हो गया। हाँ बस हो गया, अब क्या फायदा सोचने का, जो हो गया तो होना था। थैंक यू। ओ भाई ये भी ठीक है। सॉरी भाई जान, एक सवाल रह गया। मौका, मौका। इंडिया पाकिस्तान से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू। अच्छा ये देखें, ये भी मिसकंसेप्शन थोड़ा सा है कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाड़ियों को धमकियां दे रही है। उधर बड़ा वार्म वेलकम हुआ है भाई। हर बंदा भौंक रहा था, ये देखे ना आज उसने दिखाया कि कप्तानी कितना बड़ा मैच। क्या उसमें प्रेशर नहीं था? 1,00,000 लोगों का प्रेशर सिर्फ बाबर में था। गालियां सिर्फ बाबर को पड़ती हैं, इनको नहीं पड़ती, बात गालियां पड़ती हैं इनको, बच्चों पे आ जाते हैं वो। भाई जान, उसने 155 से मैच 191 में खत्म कर दिया, अपना दिमाग यूज किया, छोड़ा गया। और आपके कुंद जैन बेवकूफ डफर्स जिनके दिमाग ही नहीं है, इन गधों ने बना हुआ मैच ये ले जनाब। आज सैल्यूट है हिटमैन शर्मा को, कमाल किया भाई आपने, छक्के मारे, चौके मारे, यू आर मास्टर। वो शाहिन शाह ने भी शॉर्ट बॉल दिया, रोहित शर्मा ने उठा के वो मारा है 90 मीटर का छक्का, फिर वापस अपने बॉलिंग मार्क पे जा रहा है तो ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहा है बैल की तरह, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे नहीं मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, और अब तो बिल्कुल नहीं रहा। दोबारा कंपेयर करके देख लो भाई, एब्सोल्यूट डोमिनेंस। एक लफ्ज है रोहित है, और छोड़े डोमिनेंस बैटिंग की, भाई जान आप उसकी कप्तानी की बात करें, इस वक्त बात करें उसके माइंड की। मेरे को याद पड़ता है एक फिल्म में नाना पाटेकर ने कहा था, इधर छोटा मगज होता है। वो शायद पाकिस्तानियों के लिए कहा था। गंदे बंदे हैं, गंदे खिलाड़ी हैं, ये है क्या, ये क्या है? बाबर आजम क्या है इसकी? 10 सेंचुरियां इसकी, क्या है बाबर आजम? गंदा खिलाड़ी, दुनिया का गंदा तरीन खिलाड़ी, क्या है ये? दुनिया का सबसे गया भी था खिलाड़ी बाबर आजम। कमाल है यार, कमाल है। इट्स सेलिब्रेशन टाइम, यस, क्यों ना थोड़ा डांस किया जाए। ये भाई पठान भाई की वीडियो बहुत वायरल होती है हमेशा डांस वाली, तो लेकिन मैं एक चीज अभी भी यही कहना चाहूंगा भाई, देखो स्पोर्ट्स है, हार जीत लगी रहती है। एक तो स्पोर्ट्स को कभी भी धर्म या मजहब से ना जोड़ा जाए, जो कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा देखा गया, वो कहते हैं इसकी जीत है उसकी जीत है। जनता ने दिखाया था ना एक वीडियो में, उनके जो पॉलिटिशियन चाहे जो एक्स क्रिकेटर है, वो ट्वीट कर करके, मतलब वो उसको धर्म से जोड़, गेम को गेम की तरह ले लो। प्रेशर तो नो डाउट इंडिया पे भी था, हर एक चीज होती है, लेकिन सिचुएशन में वही है, जो प्रेशर अब्सॉर्ब कर जाए, अच्छा कर जाए, उस दिन वो जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि भैया टीवी की क्लिप क्यों नहीं आ रही है, कि पाकिस्तान में टीवी टूटे हैं, वो क्लिप नहीं आ रही है, पुरानी आ रही है अभी तक, बजट भी तो नहीं है इतना, समझ कैसे। अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है वो लड़की सही थी, कहती है कपड़े लाई, टोपी लाई, पैसे पूरे भी नहीं हुए, पैसे वसूल नहीं हुए इसके, हार गए ना, और क्या कह रही इसमें आ रही हूँ इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, बाकी तोड़ दू भाई। लेकिन है वो चीज़ तो रहती, चाहे वो कहीं किसी भी देश का खिला वो सपोर्टर
फैन अगर किसी देश का है, हार जीत में अगर टीम हारती तो बुरा लगता है, लेकिन जिस तरीके से प्लेयरों के साथ कई बार ज्यादा ही लिमिट क्रॉस करने वाली बात कर रहे थे, वो चीज मुझे पाकिस्तान के प्लेयरों मजाक बना मतलब, लेकिन मस्ती में अलग अलग होता है, ट्रोलिंग अलग होती है, वो चीज अलग है ना, इनको तो ये कर दो, वो चीज अजीब लगती है मेरे को, आप लोग भी समझ रहे हो, इनको तो ये कर दो, मतलब समझ रहे हो आप लोग, वो मुझे थोड़ी अजीब मतलब, मैं उस चीज को बहुत बाकी रोहित शर्मा की भाई साहब तारीफ के पुल बांध देना कमेंट में, कहां से देख रहे हो आप कमेंट करके जरूर बताना, जय हिंद जय भारत लिख देना, बाय बाय, टेक केयर।